हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम देखेंगे सब्जेक्ट जनरल साइंस ऑफ स्टैंडर्ड 6 का सेकंड लेसन द लिविंग वर्ल्ड। इसका हम पार्ट सेकंड आज देखेंगे। हमने पार्ट फर्स्ट में क्या देखा था, जैसे कि लिविंग थिंग्स के हमने कैरेक्टर्स देखे थे। सो इन दिस पार्ट वी हैव टू सी द नेक्स्ट कैरेक्टर, एंड द नेक्स्ट कैरेक्टर इज द रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस अदर लिविंग थिंग्स लाइक देमसेल्व्स। लिविंग थिंग्स अपने ही जैसा, लिविंग थिंग्स हैविंग सेम कैरेक्टर्स, उसे प्रोड्यूस करते हैं। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, जैसे कि यहाँ पर देखिए फिगर 2.11 में अ मेयर एंड हर फोल, जैसे कि ये मेयर, ये हॉर्स, ये फीमेल हॉर्स है और उसने अपने यंग वन को, जैसे कि फोल को, बर्थ गिव्स बर्थ टू इट्स फोल। सम ले एग्स, जैसे कि बर्ड ले एग्स एंड देयर यंग वंस हैच आउट ऑफ द एग्स, उनके यंग वंस होते हैं वो अंडों से बाहर निकलते हैं। न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सीड, जैसे कि ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम ए ये एक प्लांट है, वो अपने सीड के वजह से वो प्लांट में उसका कन्वर्शन हुआ है। स्टेम और लीव्स ऑफ प्लांट, जैसे कि रोज कटिंग, रोज कटिंग में आप देखिए कि यहाँ पर ये रोज प्लांट का स्टेम है और इसका कन्वर्शन किस उसके आगे रोज प्लांट में होने वाला है। द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग थिंग जनरेट्स अ न्यू लिविंग थिंग लाइक इट सेल्फ इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन और प्रोक्रिएशन। रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। सो द नेक्स्ट कैरेक्टर इज द अ डेफिनाइट लाइफ स्पैन यानी जीवन अवधि। एट अ सर्टन स्टेज ऑफ लाइफ लिविंग थिंग्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। लिविंग थिंग्स अपने एज के मुताबिक कैपेबल हो जाते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। लेटर ऑन इन लाइफ रिप्रोडक्शन स्टेज देयर ऑर्गेन्स बिकम वीक एंड स्टिल लेटर देयर लाइफ कम्स टू एन एंड। आफ्टर रिप्रोडक्शन प्रोसेस उनके ऑर्गेन्स होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और उनका जो लाइफ है वो ख़त्म होने को आता है। इन अदर वर्ड्स लिविंग थिंग्स डाई और इट्स रिजल्ट इन टू द डेथ। द लाइफ स्पैन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डिफरेंट, जैसे कि देखो डॉग का लाइफ स्पैन कितना होता है, लगभग 12 to 18 ईयर्स, एंड ऑस्ट्रिच का 50 ईयर्स। सो द नेक्स्ट कैरेक्टर इज द सेल्यूलर स्ट्रक्चर। यहाँ पर देखिए फिगर 2.13 में एक वॉल लाइक स्ट्रक्चर है और यहाँ पर एक हनीकॉम्ब है। हनीकॉम्ब अपना हनीकॉम्ब कैसे बनाती है, जैसे कि बी होती है यानी कि मक्खियाँ, वो क्या करती है, मधुमक्खियाँ वो फ्लावर में से स्वीट लाइक जूस को चूसती है और उस जूस को इस ये जो कंपार्टमेंट उसने बनाया हुआ है वहाँ पर वो रखती है, उसे हम हनीकॉम्ब कहते हैं। द नेक्स्ट कैरेक्टर इज द सेल्यूलर स्ट्रक्चर। लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। हमारे प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स ये सब किससे बने हुए होते हैं, सेल्स यानी कि कोशिकाओं से उनकी बॉडी बनी हुई होती है। ऑल द एक्शंस एंड प्रोसेसेस इन द बॉडीज ऑफ लिविंग थिंग्स आर ब्रॉट अबाउट विद द हेल्प ऑफ दीज माइक्रोस्कोपिक सेल्स। जैसे कि हमारे शरीर की जो भी संरचना होती है, जो भी एक्शंस एंड प्रोसेसेस होते हैं हमारी बॉडी में, वो किसकी वजह से होती है, माइक्रोस्कोपिक सेल्स की वजह से। सम लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सिंगल सेल, दीज आर कॉल्ड यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि देखो अमीबा एंड पैरामोशियम आर द यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स बिकॉज दे हैविंग ओनली वन एंड वन सेल यानी कि ओनली वन। ऑन द अदर हैंड द लिविंग थिंग्स दैट आर मेड ऑफ मेनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। एक से भी ज़्यादा होती है सेल्स हमारी बॉडी में तो उसे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जैसे कि द अमीबा एंड सम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेल्यूलर, व्हाइल मैन, काऊ, माउस, कॉकरोच, एलिफेंट्स, बनियन ट्री, द ओनियन प्लांट एक्सेट्रा आर ऑल मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। देखो ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स, सो मैन इज कॉल्ड द मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर सीन इन एवरी सेल ऑफ अ लिविंग थिंग वेदर इट इज़ अ यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर हो या मल्टी सेल्यूलर हो, इट इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग थिंग। सो सेल्यूलर स्ट्रक्चर इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स
इवन दो द नंबर ऑफ सेल्स मे वेरी। लिविंग थिंग्स में नंबर ऑफ सेल्स अपने बॉडी के हिसाब से वेरी होते हैं, यानी कि उनकी जो नंबर्स होते हैं वो वेरी होते हैं। अब हमें देखना है यूजफुल लिविंग थिंग्स, जैसे कि देखो प्लांट्स आर यूज्ड फॉर हाउस होल्ड एज वेल एज इंडस्ट्रियल पर्पजेस। प्लांट्स होते हैं वो हमें कुछ हमारे हाउस होल्ड के लिए, यानी कि हमको फूड, हम जिस प्लांट को फूड बनाकर खाते हैं उस काम में आते हैं। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो यूज्ड फॉर मेडिसिन, देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल फेन्युग्रीक यानी मेथी, पोटैटो ओकरा यानी भिंडी, एप्पल बनाना आर यूज्ड एज अ फूड, वाइल वसाका अडुलसा हिरडा बेहाडा एस्पेरगस आर यूज्ड एज अ मेडिसिन। देखो प्लांट्स आर यूज्ड फॉर फूड पर्पज एंड ऑल्सो फॉर मेडिसिन पर्पज। ओके एनिमल्स आर ऑल्सो यूजफुल टू अस, एनिमल्स भी हमें बहुत उपयुक्त होते हैं, जैसे कि डॉग कैट्स काउज बफेलोज आर केप्ट फॉर डोमेस्टिक यूजेज, हम इनको पालते हैं इसलिए इनको हम पालतू जानवर कहते हैं। जैसे कि डॉग्स, देखो डॉग हमें इतना यूजफुल है कि जब भी हम सोते हैं और जब भी बाहर कोई चोर आया हो या कोई आया हो अनोखी व्यक्ति जब आई हो तो ये कुत्ता भौंकता है और उसकी वजह से हमें समझता है कि हमें ये डॉग कितना यूजफुल है। कैट्स वो ईट्स, कैट क्या करती है यानी उसका जो फूड होता है रैट उनको वो पकड़ती है और वो खाती है। काउज बफेलोज आर केप्ट फॉर डोमेस्टिक यूजेज, जैसे कि काउज और बफेलोज हमें फार्मिंग के लिए उनका यूज होता है। फिश शीप फाउल आर यूज एज अ फूड, हम फूड बनाकर फिश का शीप फाउल आर यूज एज अ फूड, हमें ये एनिमल्स हम उस इनका फूड पर्पज के लिए यूज करते हैं। व्हाइल एनिमल्स लाइक हॉर्सेस ऑक्सन कैमल प्रूव यूजफुल इन वेरियस ऑक्यूपेशंस यानी व्यवसाय के हेतु में भी हम इस एनिमल का उपयोग करते हैं। द अर्थवर्म इज अ वेरी यूजफुल इन एग्रीकल्चर, अर्थवर्म यानी देखो अर्थवर्म इज वेरी यूजफुल इन फार्मिंग। ओके अब हमें देखना है हार्मफुल लिविंग थिंग्स, जैसे कि प्लांट्स का हमें यूज होता है फॉर फूड पर्पज एंड फॉर मेडिसिन पर्पज, वैसे ही हमें लिविंग थिंग्स हमें काम में आते हैं एनिमल्स, हमने अभी देखे तो अभी हमको देखना है कि हमको ये एनिमल्स हानि भी पहुंचा सकते हैं। सम एनिमल्स एंड प्लांट्स अराउंड अस आर हार्मफुल टू मैन, हमारे आसपास में जो भी एनिमल्स होते हैं और प्लांट्स होते हैं वो हमें हार्मफुल भी हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मॉस्किटोज एंड फ्लाई स्प्रेड डिसीजेस, मॉस्किटोज और यानी मच्छर की वजह से, मच्छर के काटने की वजह से हम बीमार पड़ सकते हैं। फ्लाई स्प्रेड डिसीजेस, फ्लाइज क्या करती है, ये फ्लाई है वो फूड पर बैठती है और वो फूड अगर हम खाए तो हम उसकी वजह से हम बीमार पड़ सकते हैं। कॉकरोचेस माइस रैट्स डिस्ट्रॉय अवर फूड, लाइस टिक्स ऑल्सो स्प्रेड डिसीजेस, ये जो एनिमल्स होते हैं उनकी वजह से भी डिसीज फैल सकता है। द बाइट्स ऑफ सम पॉइजनस लिजार्ड्स, जैसे कि लिजार्ड ये पॉइजनस होता है, जैसे कि स्पाइडर स्नेक्स एंड स्कॉर्पियंस कैन इवन कॉज डेथ, जैसे कि लिजार्ड स्पाइडर और स्नेक एंड स्कॉर्पियंस के वजह से इन एनिमल के काटने की वजह से हमारी डेथ हो सकती है। इफ वाइल्ड एलिफेंट्स एंटर ह्यूमन सेटलमेंट्स दे कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, अगर ये जो वाइल्ड एलिफेंट्स होते हैं जंगली हाथी वो अगर हमारे ह्यूमन सेटलमेंट में आते हैं तो ये क्या करते हैं बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं। सम प्लांट्स टू कैन बी हार्मफुल एज फॉर एग्जांपल द डॉडर पार्थेनियम एंड अदर वीड्स, जैसे कि देखो डॉडर और पार्थेनियम की वजह से हम बेहोश हो सकते हैं, ये प्लांट्स है वो बहुत हानि पहुंचाते हैं हमें, ऐसे ही प्लांट्स को हमें अभी देखना है। पॉड्स ऑफ द नेटल कोलोकेसिया लीव्स कॉज इचिंग, नेटल और कोलोकेसिया लीव्स के वजह से क्या होता है हमें इचिंग होती है। प्लांट जैसे कि खुजली, हम इन प्लांट्स को अगर हाथ लगाए तो हमें हाथों में खुजली आ जाती है। पॉड्स ऑफ द नेटल कोलोकेसिया लीव्स कॉज इचिंग। देन प्लांट्स लाइक ओलियंडर लैंटाना हैव स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स, ओलियंडर और लैंटाना ऐसे प्लांट होते हैं कि उनकी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर होती है, उनके वजह से हम बेहोश हो सकते हैं। द दतुरा प्लांट इज अ पॉइजनस,
अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ फंगाई एंड अलगी इन वाटर पॉल्यूट्स ड्रिंकिंग वाटर एंड मे कॉज द स्प्रेड ऑफ डिसीजेस। जैसे कि पानी में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं लाइक फंगाई एंड अलगी, उनके वजह से पीने का पानी पोल्यूट होता है और ऐसा पानी पीने से हम बीमार पड़ सकते हैं। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ अवर चैप्टर इज द वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स दैट हंट अदर एनिमल्स फॉर फूड आर कॉल्ड प्रीडेटर्स। वाइल्ड एनिमल्स क्या करते हैं, दूसरे पालतू एनिमल्स को यानी कि डोमेस्टिक एनिमल्स को अपना शिकार बनाती है और उनका यूज अपने फूड के लिए करती है। उन एनिमल्स को हम प्रीडेटर्स कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल टाइगर्स, लायंस, वोल्व्स, लेपर्ड्स एक्सेट्रा। समटाइम्स ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन सच एनिमल्स एंटर ह्यूमन सेटलमेंट्स इन सर्च ऑफ फूड एंड मे किल डोमेस्टिक एनिमल्स और पीपल्स। वनों के विनाश के कारण जैसे कि निर्वनीकरण के वजह से ऐसे अगर वाइल्ड एनिमल्स हमारे ह्यूमन सेटलमेंट में आते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अदर डोमेस्टिक एनिमल्स और पीपल को अपना शिकार बनाते हैं अपने फूड के लिए। तो ऑलवेज रिमेंबर मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स इन नेचर सेटिस्फाई अवर नीड्स। द यूज ऑफ सच प्लांट्स एंड एनिमल्स शुड बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू अवर नीड्स। वी शुड नॉट प्लक लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट अननेसेसरली। एनिमल्स शुड नॉट बी हंटेड, दे शुड नॉट बी टीज्ड जस्ट फॉर फन। इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफ अस टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये हमारी ड्यूटी है कि हम टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स हमारे लिए बहुत यूजफुल होते हैं तो हमें उनका जतन करना है। देन वॉट वी हैव लर्नड इन दिस चैप्टर, द फर्स्ट इज ग्रोथ, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुली, मूवमेंट, अ डेफिनाइट लाइफ स्पैन एंड अ सेल्युलर स्ट्रक्चर आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग थिंग्स। एनिमल्स ग्रोथ फॉर सर्टन पीरियड ऑफ देयर लाइफ, प्लांट्स हाउ एवर ग्रो एज लॉन्ग एज दे लिव। एनिमल्स हैव स्पेसिफिक ऑर्गेन्स फॉर रेस्पिरेशन वाइल प्लांट्स रिस्पायर थ्रू माइक्रोस्कोपिक पोर्स ऑन देयर लीव्स एंड स्टेम्स। देखो ये हमने फर्स्ट पार्ट में सीखा था और क्या सीखा था, द प्रोसेस ऑफ इलिमिनेटिंग वाटर प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। सॉरी, द प्रोसेस ऑफ इलिमिनेटिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ऑल लिविंग थिंग्स हैव द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। ये अभी अभी हमने इस चैप्टर में अभी इस सेकेंड पार्ट में देखा। लिविंग थिंग्स मूव बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। प्लांट्स शो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट्स बट दे कैन नॉट लीव देयर प्लेस एंड गो एल्सवेयर एज एनिमल्स डू। लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनाइट लाइफ स्पैन एट द एंड ऑफ विच दे डाई। मेनी एनिमल्स एंड प्लांट्स आर यूजफुल टू अस इन अवर डेली लाइफ, सम एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन बी हार्मफुल टू अस। एंड द लास्ट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ लिविंग थिंग इज द सेल। हमने इस लेसन में ये सारे पॉइंट्स को पढ़ा है तो आपको क्या करना है, आपको इस लेसन को पूरी तरह से पढ़ना है। तो पढ़ोगे ना आप? थैंक यू।